वापस आता। देखो शकुन, नव्या को अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी होगी, अपनी गलतियों से सीखना होगा, रिश्तों की अहमियत समझनी होगी, जिम्मेदारी से इस रिश्ते को निभाना होगा, इस रिश्ते का महत्व समझना होगा। जो ये रिश्ता डिजर्व करता है, जानती हो शकुन, जिस रिश्ते पे आपको पूरा भरोसा हो और वही रिश्ता आपको धोखा दे दे तो विश्वास पूरी दुनिया से उठता है। और इस बार तो तुम्हारे भाई का जख्म बहुत गहरा है। बात उसकी ताई की जिंदगी और मौत की थी। सब बातें छोड़ो, चलो अब जल्दी से मुस्कुरा दो, वरना मैं बेवजह तुमसे नाराज हो जाऊंगा। आप क्यों गुस्सा होंगे मुझसे? देखूंगा ना, तुम मेरे साथ और खुश नहीं हो, और तुम्हारे लिए मेरा प्यार ये बर्दाश्त नहीं करेगा कुछ भी। अरे और नहीं तो क्या, लोग समझेंगे कि शुभ अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता, उसका ख्याल नहीं रखता। देखो तो सही, माता रानी की अपरंपार कृपा है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और हमारी घर की लक्ष्मी लक्ष्मी जी की पूजा कर रही है। बोलो माता रानी की जय। दादी आरती ले लीजिए। आप ऐसे कैसे अंदर? हम माही माही बेटा, तुम यहां कैसे? बेटा यहां क्या कर रही हो? कितनी बड़ी हो गई है। कितनी छोटी सी थी ना, कितनी बड़ी हो गई। हाँ। पर दादी ये है कौन? बहुरिया, ये माही है, बिंदिया और वनराज की बेटी। अच्छा, मतलब मेरी छोटी ननद। हाँ, तुम्हारी दूसरी ननद। ये जब 10 साल की थी तब बिंदिया ने उसे अपनी माँ के घर पे भेज दिया था। दादी
आपको अपनी आंखों के सामने हष्ट पुष्ट देखे ना, हमें तो बहुत खुशी हो रही है। ओ, मेरा बच्चा। दादी माँ कहाँ है? हमें उनसे मिलना है। माही रोने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, तू डर मत, हम सब है ना तेरे साथ। दादी मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हमारे पीछे इतना कुछ हुआ है, वरना हम यहाँ कभी नहीं आते। कोई नहीं बेटा, आगे तो कोई बात नहीं है। पता है दादी, वर्षों से माँ से मिलने के लिए तरसती रही, लेकिन हमसे मिलने नहीं आए, और ना ही वो हमें यहाँ बुलाए मिलने के लिए। नानी के चले जाने के बाद मामा मामी पे बोझ बन गई थी मैं। फिर मैंने फैसला किया कि मैं मुंबई जाऊंगी और मम्मी पापा के साथ ही रहूंगी। यहाँ तो सब कुछ ऐसा हो गया कि यहाँ रहना तो मुश्किल ही है। मेरी माँ ने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। उसके लिए हम आप सबसे माफी मांगते हैं। अरे नहीं बेटा, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, अब अच्छा नहीं लगता कहते हुए, लेकिन थे तो हमारे सगे ही। अब सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, हम चलते हैं। लेकिन अरे मैं कह रही हूँ बेटा, इतने बड़े शहर में तुम अकेली कैसे रहोगी? दादी आप हमारी फिक्र मत कीजिए, पहले हम यहाँ कोई काम ढूंढ लेंगे तो रहने की जगह भी मिल जाएगी। लेकिन आप परेशान मत होइए दादी, हम ना आपसे मिलने आते रहेंगे। अम्मा जी, मुंबई इतना बड़ा शहर है, कोई ना कोई ठिकाना इसे मिल ही जाएगा। रुको, हम चाहते हैं कि जब तक तुम्हें कोई अच्छा ठिकाना ना मिल जाए रहने का, तुम यही रहोगी हमारे साथ। अरे अम्मा जी, आप इतना क्यों सोच रही है, जब इसे कोई दिक्कत नहीं है तो। वैसे भी बिंदिया जब यहाँ पे थी तो हमारे घर की कितनी बदनामी हुई है, समाज को भी तो जवाब देना है अम्मा जी, आप थोड़ा सोचिए। दादी ये मुंबई शहर है, और ये शहर ने ना सबको उसके हिस्से का कुछ ना कुछ देता है, तो मुझे भी सहारा दे देगा। और हमारी नानी कहती थी कि परिस्थितियों से लड़ना चाहिए, उसे डर के भागना नहीं चाहिए। जीती रहो। माही रुको, चुप। सर माही आपकी छोटी बहन है, इस शहर से अनजान है, और ऐसे उसका घर से जाना अच्छा नहीं लगता। मैं भी यही सोच रहा था। माही दो मुझे, जब तक तुम्हारा रहने का इंतजाम ना हो जाए तुम यही हमारे घर में रह सकती हो। भाभी मुझे नहीं लगता आपको मम्मा के खिलाफ कुछ बोलना चाहिए। I'm sorry, but अगर माही सच में साची की तरह निकली तो। नव्या तुम्हें यह सब सोचने की जरूरत नहीं है। जिस तरह तुम मेरी बहन हो, यह भी मेरी बहन है। जिस तरह तुम्हारे लिए मेरी जिम्मेदारियां जरूरी हैं, इसके लिए भी। और वैसे भी नव्या, चाचा और चाची ने जो भी कुछ किया उसकी गलती की सजा हम माही को क्यों दें? शगुन ठीक कह रही है, माही की अपनी आइडेंटिटी है। पर भैया मैं तो नव्या,
अगर तुम्हें बार बार गलती करने के बाद हम बार बार मौके दे सकते हैं ना, तो इस बेचारी का तो कसूर ही नहीं। आज से मही यहीं रहेगी हमारे घर में। लल्ला, देखो तो सही, माता रानी की कृपा कितनी अपरंपार है कि उनकी कृपा से एक साथ में हमारे यहाँ दो दो लक्ष्मियां आई है। और हाँ, हम एक बात तो कहना ही भूल गए। क्या दादी? अरे यही कि आज शाम को माता रानी के दर्शन के लिए हम बाहर पंडाल में जाने वाले हैं। और बस लगे आ तो इसे भी पूरा शहर घुमा देंगे। जी दादी। लाओ बैग दो मुझे, मैं लेके आता हूँ, आप चलिए। चलो भाई। चलो अब कुछ खा लेते हैं। हाँ दादी, चलिए। माही तुम भी चलो साथ में। आ जाओ। नूडल्स हाथ से खा रही हो? हाँ, तो क्या हुआ? हमारे गांव में ना सब हाथ से खाते हैं। पर ये तुम्हारा गांव नहीं, ये शहर। यहाँ सब नूडल्स फोक से खाते हैं। माही, दादी, दादी, दादी क्या हुआ? टीका, टीका ला। पानी लाता। पानी? मैं लेके आती हूँ। ऐसे कोई हाथ से खाता है? यहाँ कोई सर्कस चल रहा है क्या? हाँ चलो निकलो यहाँ से। निकलो। अरे आप उन्हें क्यों डांट रहे? वो लोग तो बच्चे हैं ना। बच्चे हैं पर आपका मजाक उड़ा रहे थे बेवजह। अगर हम इन सब चीजों को बुरा मानेंगे ना तो हमेशा परेशान होते रहेंगे। ये सब तो होते रहता है। एक बात बताइए, आप क्या अकेले ऐसे बैठ के खाना खा रही हैं? आपके दोस्त या परिवार नहीं है कोई? सब है। हम माता रानी के दर्शन के लिए आए हैं तो आपसे झूठ नहीं कहेंगे। वो क्या है ना कि हम अपने परिवार को लोगों के सामने बेइज्जती महसूस नहीं करा सकते। बेइज्जती मतलब? मतलब ये कि एक आटा चम्मच है ना, हमें खाना नहीं आता,
इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना अकेले बैठकर अपने तरीके से खाया जाए। और वैसे भी ना हाथ से खाने का मजा ही कुछ और है। माफ कीजिएगा। लगा दे पैसे। अरे शुभ, कैसा है भाई? यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो यहाँ दर्शन के लिए आए थे। तू बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं भी फैमिली के साथ दर्शन के लिए आया। अच्छा शुभ, तूने सुना उसके बारे में? वो थी ना वो काजल, तुझे पता है उसका क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं जाना यार, पुरानी बातें हैं, छोड़ो ना। अरे मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। जो बीत गया सो बीत, मुझे कुछ नहीं जानना उसके बारे में। सुन तो बहुत मजेदार बात है। अरे बोला ना नहीं बात करनी यार। आप यहाँ आप तो दादी के लिए पानी लेने आए थे ना? आप लोग ऐसे चुप क्यों हो गए? किस बारे में बात कर रहे थे? शुभ, ये कौन है? अब आओ शगुन। शगुन ये मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते थे, और ये तुम दोनों की भाभी है। अच्छा, नमस्ते भाभी। नमस्ते। तो शगुन, ये दादी को खांसी आ रही है, उन्हें पानी दे दो। हाँ, गुलाब जामुन रख लेना मेरे लिए। आप लोग भी घर आइएगा। हाँ जी भाई, आएंगे। अच्छा शुभ, तूने बताया भाभी को काजल के बारे में? ये क्या काजल काजल लगा रखा है यार, और क्यों बताऊंगा मैं? अरे यार, हम तो वैसे। अरे मैं जानता हूँ तुम दोनों को। अच्छा चल, दर्शन करते हैं। शुभ सर, क्या हुआ? आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। शुभ शुभ सर, आप किसी काजल का नाम ले रहे थे, ये काजल कौन है? काजल? मुझे खुद नहीं पता शुभ। कोई बात नहीं, आप सो जाइए। आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आपने जरूर कोई बुरा सपना देखा। सो जाइए। बहुरिया, माता रानी बहुत खुश होगी क्योंकि तुमने दिल से सेवा की है, है ना? तो अरे जीती रहो बेटा, जीती रहो। भाभी, आप लोग पूजा की तैयारी कर रही हैं? हाँ, नवरात्रि चल रहे हैं ना, तो पहले से तैयारी कर ले तो बेहतर रहता है। सही कह रही है भाभी। प्रणाम बुआ जी। प्रणाम प्रणाम। क्या बात है बोलो? आप उपवास का खाना बना रही हैं? लाइए, हम आपकी मदद कर देते हैं। पता है बुआ जी, हमारी नानी कहती थी कि नवरात्रि का व्रत करने वालों के लिए खाना बनाने से माता रानी की बहुत कृपा होती है। अच्छा, और पता है इसलिए उन्होंने ना हमें तरह तरह के फलाहार बनाना भी सिखाया है। हमें सब कुछ बनाना आता है बेटा, कुछ बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है? तुम जाओ। बुआ जी, आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी। अरे बेटा, इतने सालों बाद पहली बार तुम नवरात्रों में यहाँ आई हो, तुम्हें तो पता नहीं होगा ना क्या कहाँ पे रखा हुआ है। हाँ, तो तुम रहने दो, मेहमानों की तरह रहो। हाँ,
कुछ दिन में तो जाना ही है तुम्हें। बुआ जी, जरूरत के वक्त सहारा देने वाले लोगों का ना जिंदगी में सबसे ज्यादा कीमती होते हैं और उनका ख्याल रखना चाहिए, इसलिए हमने सोचा आपकी मदद कर दें। कनिका, अगर माही बिटिया तुम्हें रसोई में मदद करना चाहती है तो उसे कर लेने दो ना, इससे तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हें ही सहूलियत मिलेगी। बावरिया, माही कितनी घरेलू लड़की है ना। हाँ दादी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम देखना, इसे बहुत अच्छा ससुराल मिलेगा, और देखना वो ससुराल में भी सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी, वरना आजकल की लड़कियां न कुछ सीखना जानती है, न कुछ आता है जाता है, बस मायके में आके पड़ी रहती है। दादी आप कहना क्या चाहती? मैं अपने ससुराल वालों को संभाल नहीं पाई। नव्या, हमारा कहने का ये मतलब नहीं था बेटा। हाँ नव्या, दादी का कहने का वो मतलब नहीं था। दादी तो बस इतना कहना चाहती थी कि अगर माही हमारे साथ घरों के काम में हाथ बटाएगी तो उसे पराया महसूस नहीं होगा। रहने दीजिए ना माँ, अगर इसे काम करना तो करने दीजिए, वैसे भी ये तो गांव से आई है ना, काम करने की आदत है इसे, और इतने बड़े घर में, इतने बड़े शहर में करेगी भी क्या, घर के काम ही कर ले। अरे बेटा, तू अपना दिमाग क्यों गर्म कर रही है? तूने सही कहा, ये गांव वाले लोग नहीं समझेंगे बेटा।